इधर राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने करियर का पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रियंका गांधी वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने और प्रियंका के चुनाव लड़ने पर सियासत गर्म है। राहुल गांधी पर वायनाड को धोखा देने तक के आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने वायनाड से उप चुनाव लड़ेंगी। राहुल के रायबरेली से सांसद बने रहने और प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के इस फैसले पर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां भी नाराज हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की पार्टनर सीपीआई ने कहा है कि ये कांग्रेस का वायनाड की जनता से अन्याय है। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी सीपीआई की एनी राजा ने कहा है कि राहुल गांधी को वोटिंग से पहले वायनाड के लोगों को ये बताना चाहिए था कि वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी के पूर्व राजनीतिक सलाहकार प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि वायनाड से प्रियंका को लड़ाने का फैसला बताता है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पर भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। Wynard, my family means his family. He brought his sister. Now people are asking, Vadra also will come there. So Congress party is always with one family, decision making family. They are Congress president Gargeji was also not aware of this. No? जब राहुल गांधी और कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में ये लगा कि अमेठी की सीट से गांधी परिवार का कॉपीराइट हटने वाला है, तब राहुल गांधी के लिए सेफ सीट की तलाश शुरू हुई और ये सेफ सीट थी वायनाड। यानी जब अमेठी में कांग्रेस के लिए वोट के लाले पड़ गए थे, तब वायनाड ने राहुल गांधी का हाथ पकड़ा और उन्हें संसद पहुंचाया। लेकिन अब रायबरेली से भी चुनाव जीतने के बाद राहुल ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला लिया है। इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी इस पर भी निशाना साध रही है। बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी रायबरेली से इस्तीफा देने से डर गए तो वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान किया। ये दोनों भाई बहन जो हैं केवल अपनत्व का झांसा देते हैं और टाटा बाय बाय हाय हाय हलो हलो वाले लोग हैं और ये केवल चुनाव के सरगर्मी के दौरान चुनाव में पिकनिक मनाने आते हैं। राहुल गांधी ये समझ रहे हैं कि अगर वो यूपी छोड़ते हैं तो उन्हें अखिलेश यादव का सहारा लेना होगा। यही वजह है कि राहुल गांधी ने रायबरेली सीट के साथ रहने का ऐलान किया, जबकि वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने का मतलब ये है प्रियंका गांधी के लिए पिच तैयार हो चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताएं। पहले तो मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को भारी अच्छे नंबर से जिताया और कांग्रेस को अच्छे नंबर पे लाए और बीजेपी का जो 400 पार का जुमला था उनको हकीकत याद दिला दी कि जनता कितनी उनसे नाराज़ थी। और मैं ये कहूँगा कि जो धर्म की राजनीति है वो सबने देखा था कि अयोध्या में उनकी हार से उनको समझ आया है कि धर्म की राजनीति देश नहीं चाहती है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने भविष्य की राजनीति के लिए एक सोचा समझा रोड मैप तैयार किया है, जिसमें नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया की राजनीति को साधने का प्लान बनाया गया है। रायबरेली राहुल को यूपी में मजबूत करेगा तो वायनाड में प्रियंका गांधी कमान संभालेंगे। हालांकि इस फैसले पर राहुल गांधी पर वायनाड को धोखा देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जून में गर्मी ऐसी है कि पूरा उत्तर भारत झुलस रहा है। दिल्ली वालों के लिए